क्रीमिया ब्रिज पर एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है। हमले में दो लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। विस्फोट में पुल का एक हिस्सा ढह गया है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से आप देखिए तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्रीमिया ब्रिज पर हमले को अंजाम दिया गया। ये आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद बीते साल भी कुछ इसी तरह से ही क्रीमिया ब्रिज के हिस्से पर हमले को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद एक हिस्सा काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। और इसके बाद अब मरम्मत के बाद जब इसको पूरी तरह खोला गया, अब एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है। ये देखिए बीते साल यानी 2022 की तस्वीर, जब पहला हमला किया गया था क्रीमिया ब्रिज पर। और इसके बाद हमने देखा था 8 अक्टूबर के इस हमले के बाद कि कैसे 24 घंटे के अंदर ही व्लादिमीर पुतिन ने इसका बदला लिया था, और इसके बाद यूक्रेन के कई अलग अलग जो इलाके उनको दहला दिया गया था। और अब देखिए 17 जुलाई 2023 की ये तस्वीर, यानी कि आज एक बार फिर से ये हमला हुआ है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इस हमले को लेकर क्या जानकारी, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल करुणा, देखिए राष्ट्रपति पुतिन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि किस तरीके से हादसा हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। और ये बात तो तय है कि क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। अब तक उस धमाके की वजह से दो लोगों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि मॉस्को से जो ट्रेन क्रीमिया पहुंचती है, मैं खुद उस ट्रेन से होकर क्रीमिया आया हूं, वो ट्रेन भी अभी ब्रिज के पास रोकी गई है। हालांकि जो क्रीमिया ब्रिज पर ट्रैफिक सस्पेंड किया गया था वो केवल सड़क मार्ग के जरिए किया गया था, रेलवे वाले हिस्से को चालू रखा गया था, लेकिन अभी ट्रेन को रोक दिया गया है। तो एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये नुकसान भी ठीक उसी के बराबर है जितना कि 8 अक्टूबर को हुआ था, या फिर उससे कम है। लेकिन इतना जरूर तय है कि ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा है और इसीलिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ट्रेन को भी रोक दिया गया है। कई किलोमीटर लंबा जाम इस ब्रिज के दोनों तरफ लग गए हैं, राष्ट्रपति पुतिन को बताया गया है। और आपको अगर देखा जाए तो एक लगातार जो हमले की कोशिश की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया ब्रिज को टारगेट। बिल्कुल मनीष, और इसके बाद देखना होगा कि क्या जिस तरह से पिछली दफा देखा था, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन हमलों को और तेज करते हैं, क्या होता है, इसका कैसे बदला लेते हैं। लेकिन यह आपको बता दें कि यह हमला बड़ा जरूर नजर इसे आ रहा है क्योंकि दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए।